हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। रैंक कैलकुलेशन को लेकर के काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि रैंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे कैलकुलेट किया जाए। हालांकि इस पर पहले भी वीडियो मैंने क्रिएट किया है, लेकिन ये वीडियो 2016 वर्जन पर है। तो चलिए ये देख लेते हैं कैसे हम रैंक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लेते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा, तो यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, लिख दिया। और यहाँ पर गैप आपको नहीं देना है, ये जो गैप मैं दे रहा हूं ना, ये गैप नहीं देना है आपको। तो यहां से गैप रिड्यूस कर दीजिए, यहां शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूं। इसके बाद हम और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे, ये इस तरह से शो होगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात करें ग्रेड वाले फॉर्मूले की, आई इफ लगा करके या फिर स्विच लगा करके किसी भी प्रकार से हम मार्क्स का जो है रैंक नहीं निकाल सकते। रैंक निकालने के लिए क्या तरीका है? रैंक निकालने के लिए आप क्वेरी बनाइए। सबसे पहले क्रिएट पे जाइए, क्वेरी डिजाइन पे जाइए और यहां से अब हमें इसको क्लोज कर देना, ये एसक्यूएल व्यू आपको दिखाई देगा, यहां पर क्लिक कर दीजिए। यहां पे सेलेक्ट आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो ये जो सेमीकोलन है उसको हटा दीजिए, यहां नीचे आ जाइए और यहां पर आपको लिखना है ए। पहले पहले क्या है, ए है, तो ए डॉट आईडी कर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी कर दिया हमने और इसके बाद कॉमा देना है, फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्लास लिखना है। ठीक है, यहां पे कॉमा दे दिया, यहां पे ए डॉट, फिर यहां पे क्लास, चूंकि हमने क्लास दिया है तो क्लास लिख रहा हूं। ठीक है, आप जो देंगे वो यहां पे लिखना होगा, कॉमा देंगे फिर। अब फिर यहां पे टोटल मार्क्स की बात करेंगे, तो यहां पर ए डॉट टोटल मार्क्स एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल मार्क्स में एम कैपिटल है या स्मॉल, तो यहाँ पे एम कैपिटल है तो सही है। अब टोटल मार्क्स करने के बाद क्या करना है, कॉमा देना है और नीचे एक फॉर्मूला, एक फंक्शन यूज करना है, सी ओ यू एन टी काउंट लिखा और यहां पे लगाना है एस्ट्रैक्ट सिंबल। तो ये एक्स्ट्रैक्ट सिंबल हमने लगा लिया और इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको देना है यहां पे एज रैंक, चूंकि हम रैंक कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहां पे एज रैंक आर ए एन के, तो ये एज रैंक भी हमने दे दिया। अच्छा, रैंक में जो है आर ए एन के होगा, ये भी याद रखिए। ठीक है, और यहां पर अब करेंगे फ्रॉम, अब ये फेच कहां से कर रहे हैं डेटा, हम इस डेटा को फेच कर रहे हैं रैंक नाम के टेबल से। तो यहां लिखेंगे रैंक एज, दे दिया और यहां से एज बी दे दिया और फिर यहां पर ऑन ओ एन ऑन, यहां पर क्या करेंगे ए डॉट, अब टोटल मार्क्स है हमारा तो यहां पर लिख देंगे टोटल मार्क्स, टोटल यहीं पे फॉर्मूला हम यहीं पे लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल मार्क्स कर दिया हमने। अच्छा, मार्क्स है या मार्क है ये भी देख लीजिएगा, तो यहां पे देख सकते हैं टोटल मार्क्स हमने लिखा है तो मार्क्स ही देंगे हम यहां पे, तो ये आ गए हम टोटल मार्क्स। ठीक है, और टोटल मार्क्स यहां पर इज लेस देन और इक्वल टू बी डॉट टोटल मार्क्स, बी डॉट टोटल मार्क्स ये कर दिया हमने। और इसके बाद फिर यहां पे ग्रुप बाई, तो यहां पे ग्रुप बाई लगाते हैं, ग्रुप बाई ए डॉट आईडी, इट मींस टू से स्टूडेंट आईडी, हमने स्टूडेंट आईडी ही लिया है तो हमें यहां पे स्टूडेंट आईडी ही देना है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी दे दिया, यहां पे कॉमा दे देंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये प्राइमरी की है, यहां पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है। अच्छा, ऊपर भी हमें यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ये गलती हो जाएगी, तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको मत लिखिएगा, इसको हटा देता हूं मैं, बाकी सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में रहेंगी, ये प्राइमरी की है इस वजह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख रहा मैं। और यहां पर एक चीज और छूटी हुई है, वो है स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट नेम यहां पर हम लिख लेते हैं ए, एक मिनट, ए डॉट स्क्वायर ब्रैकेट में स्टूडेंट नेम कर दिया और इसको क्लोज किया, कॉमा दिया।
इतना करना है हमें, और यहाँ नीचे भी सेम थिंग यही चीज हमें रखनी है, यही स्टूडेंट नेम नीचे भी आ जाएगा, तो यहाँ से और स्टूडेंट नेम देने के बाद क्लास और ये टोटल मार्क्स हमें देना है जाएगा। यहाँ से इसको आर ए एन के रैंक कर दिया हमने, और यहां से अब व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टोटल होके आ जाएगा। अच्छा, ये आएगा कैसे, ये क्वेरी हमने बनाई है, इसको पहले सेव करता हूं रैंक के नाम से, ये कर लिया, ये रैंक के नाम से इसे सेव कर लिया। अब यहां पर कोई चीज अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है राम, आर ए एम, राम लिख लिया, यहां पर क्लास लिख लिया नाइन्थ, ठीक है। अच्छा, अगर इनके टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 अगर 580 आए तो इनका क्या रैंक आएगा, ठीक है। फिर यहां पर श्याम, अगर ये 12th में पढ़ते हैं और आउट ऑफ 600 इनके मार्क्स आए 400 तो इनका रैंक क्या आएगा, ठीक है। यहां पर लिखता हूं राधा, अगर ये पढ़ती हैं 12th में और इनका आउट ऑफ 600 मार्क्स आए 455 तो इनका रैंक क्या आएगा, ठीक है। शिवम, तो ये देख सकते हैं ये कुछ नाम हमने यहाँ पे नोट किए हैं, और यहाँ पे अब इसको सेव करता हूं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारी क्वेरी है, इसको हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे इसको रन करवाएंगे तो यहां पे देखिए रैंक अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये रैंक किस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, यहां पे देख सकते हैं 400 अगर इनका मार्क्स है तो यहां पे इनकी रैंक आई हुई है 4, यहां पे 455 मार्क्स है तो ये 3 रैंक है, यहां पे 466 मार्क्स है तो यहां पे इस तरह से ये रैंक कैलकुलेट होकर आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ।